और ये जो रास्ता है जो अर्धकुंवारी है, अर्धकुंवारी माता जी के जो मंदिर के बाद जो है एक सीधा ही ऑलमोस्ट 70-80 डिग्री का क्लाइंबिंग स्टार्ट होता है। उसके ऊपर में जो है भैरवनाथ का मंदिर है और यहाँ से जो मैं भी रास्ता आप देख रहे हैं और जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ ये जो है अर्धकुंवारी से टनल के द्वारा जो है आगे भवन की तरफ जाने का रास्ता है। स्लाइंट रास्ता, स्लाइंट रोड है, इसमें जो है आराम से चढ़ाई चढ़ने की जरूरत नहीं है और ये पूरा स्लाइंट जैसा मैंने बताया स्लाइंट रोड है और यहाँ पे आराम से पैदल चला जा सकता है। और यहाँ से ये जो स्लाइंट रोड है ये पैदल यात्रा आगे का जो है 5 और 6 किलोमीटर करीब है और 6 किलोमीटर करीब पूरे जो है आपको पैदल इसी तरह चलना पड़ेगा। और इसी रास्ते से जो है श्राइन बोर्ड के द्वारा जो चलने वाले जो बैटरी कार है, बैटरी ऑपरेटेड कार्स, वो भी इसी रास्ते से चलते हैं जो अर्धकुंवारी के जस्ट थोड़ा सा नीचे की ओर बॉटम में एक स्टेशन बनाया गया छोटा सा, वहीं से जो है ये बैटरी ऑपरेटेड कार, देखिए आप आगे से एक बैटरी ऑपरेटेड कार आ रहा है तो ये श्राइन बोर्ड के द्वारा चलने वाला कार है। इसी तरह जो है कार भवन तक जाते हैं और भवन से यहाँ तक आते हैं वो यात्रु जो पैदल नहीं चल पा रहे हैं वो जो है बैटरी ऑपरेटेड कार की जो है फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और नीचे की तरफ जो है पूरे जीआई शीट से ढका हुआ एक आपको एक पूरा ये वो दिखाई दे रहा है, ये रास्ता, ये भी एक रास्ता है। यहाँ से जो है श्राइन बोर्ड ने जो है फुल पूरा अपने पैसों से जो है इस रास्ते का निर्माण किया है। ये बहुत अच्छा रास्ता बनाया गया है जो है कटरा से डायरेक्ट भवन तक जो है गाड़ी के द्वारा आया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोई प्राइवेट गाड़ी, पर्सनल व्हीकल को जो है अलाउड नहीं है। इवन अभी तक जो है श्राइन बोर्ड की गाड़ी भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं की, जो भी गाड़ी इस रास्ते से चलेंगे कटरा से भवन तक यात्रियों को, श्रद्धालुओं को लेके जो आएगी वो पूरे जो है बैटरी ऑपरेटेड कारें होंगे। इसमें कोई डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप डीजल और पेट्रोल जब भी गाड़ी में डालते हैं, इंजन से जब धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये जो है हमारा एनवायरमेंट को पोल्यूटेड करता है। और ये श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंडिया का एकलौता ऐसा श्राइन बोर्ड है जो है ISO 9001 और इस साल का सबसे ग्रीन और सबसे क्लीन जो श्राइन बोर्ड के नाम से जो है इसको पुरस्कार मिला हुआ है।